किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी क्या है, गाजर का हलवा। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। हमारी ये गाजर है, इसको हमने धो रखा है, धो के छिल दिए हैं। अब चलिए इसको हम कस के हलवा बनाते हैं। चलिए तो गाजर घिस लें हम पहले, पहले सभी गाजर को इसमें रख देंगे, फिर अच्छी तरह से घिस लेंगे। चलिए तो हमारी गाजर सारी घिस के तैयार हो गई है, अब चलते हैं इसको बनाने। तो चलिए अब हम लोग बनाई जाए। चलिए तो गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई बैठाते हैं, इसमें डालेंगे घी, दो चम्मच घी डाल देंगे, अच्छी तरह से गर्म हो जाए। गाजर के हलवे में ज़्यादातर घी, खोआ आपके पास ज़्यादातर हो, अच्छे से बनते हैं। अभी गर्म हो रहे हैं, चलिए हमारी घी गर्म हो गई है। अब डालेंगे इलायची पाउडर, दो चुटकी इलायची पाउडर। इससे क्या होता है, घी में डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसी समय डाल देंगे गाजर, गाजर को अच्छी तरह से भून लेंगी है। दो किलो गाजर है तो हम डेढ़ किलो दूध लेंगे, उसको जला के खोआ कर लेंगे और तब डालेंगे। तो गाजर का हलवा बहुत टेस्टी होता है, कोई उबाल के भी बनाता है और कोई घिस के भी बनाता है, तो हम ज़्यादातर घिस के ही बनाते हैं। इससे क्या होता है, हलवा बहुत टेस्टी होता है। अब इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि हमारा गाजर अच्छी तरह से गल जाए। चलिए तो देखते हैं हमारी हलवा तैयार। आप खोल खोल के इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने बहुत मतलब शॉर्ट में बनाते हैं इसलिए इस तरीके से बताते हैं। अगर हमारे गाजर में घी और मतलब दूध डालने लायक हो जाए तो इस तरीके से पहले ऐसे देख लेंगे हम दबा के। अगर ये पूरे तरीके से दब जाएंगे तो समझ जाइए कि आपका गाजर अच्छी तरह से भून गया है। तो यह अभी हमारा ये भुना नहीं है, थोड़ा देर और लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से कवर कर देते हैं। चलिए तो देखिए लग रही है कि हमारी हो गई है तैयार। ये हमारा हलवा तैयार हो गया है, अब इसमें डालते हैं हम दूध। चलिए डालते हैं दूध। ये दूध हमारा दो किलो था, हमने इसको जला के आधा केजी कर दिए हैं। अब इसी दूध में हम अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। थोड़े देर हम लोग को इसी दूध में पकानी है। दूध जितना भी गाढ़ा हो, इतना गाढ़ा, अगर आपके पास घी है, ये है खोआ है, तो अलग से दूध आधा केजी डाल के या खोआ एक केजी डाल के आप बना सकते हैं। तो हमारे पास दूध था तो दूध को हमने बहुत गाढ़ा कर दिए हैं और उसी को इसी में डाल दिए। इससे क्या होता है ना कि मतलब कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जो खोआ खरीद के लाते हैं उसका टेस्ट अजीब होता है, इसलिए हमने अपने घर पे ही दूध को जला के खोए की तरह बना दिए हैं। तो ये ज़्यादा अब देर नहीं लगेंगे बनने में, बस 10 से 15 मिनट। चलिए अब आ गई चीनी की बारी। चीनी अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, मीठा मीठा करनी है। इसमें जितना जो चीज़ डालेंगे उतना हलवा टेस्टी होगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी तरीके से बनाएं,
बस एक तरीका हम बताते हैं कि बॉयल अगर आप करके बनाते हैं तो वो पानी पानी थोड़ा लगता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सुखानी पड़ती है। अब हमारी ये चीनी पड़ गई है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी काजू, फिर ये है अखरोट, फिर है किशमिश, फिर ये बादाम। अब थोड़ी देर हम अच्छी तरह से इसको चला के पकने देंगे। सारी चीज़ों को पका के हम उतार देंगे। अगर हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में कुछ भी डाल दें। अब अच्छी तरह से ये हमारी पक रही है और थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। ये हल्का जो भी पानी हो उसको अच्छी तरह से हलवा में हम सुखा देंगे ताकि इसका जो सूंधापन रहता है हलवा में ना वो अच्छी तरह से आए। अगर थोड़ा सा भी अगर पानी हो इसमें तो ये पचपच लगेंगे, तो इससे बढ़िया है हम अच्छी तरह से इसको अभी सुखा देंगे। चलिए तो देखिए हमने अच्छी तरह से पानी सुखा दिए हैं, थोड़ा सा भी पानी कहीं नहीं है, नहीं छोड़ रहे। अब ये हलवा का टेस्ट बहुत सुंदर आएगा। अब चलिए गैस को बंद करते हैं, सब करने को ले चलते हैं। चलिए तो देखिए ये हमारा हलवा बनके रेडी हो गया। अब एक प्लेट में हम सर्व करते हैं। चलिए तो बताइएगा हमारी हलवा आपको कैसे लगे, तो फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में।